आपके पास है रोटल नंबर 422 सपोज, डिवाइड बाय करना है 7 से, ठीक है, डिवाइड बाय करना है 7 से। पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। मैं टेबल को यहां पे पहले ऑलरेडी बनाया है, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू ना 14 आएगा, लेकिन डेसिमल आएगा ना, डेसिमल उसको कन्वर्ट में करना है ऑक्टल में। एक एट नंबर ऑफ एट देखने कितने निकलेगी वही देखना है, 16 में 2 8 निकलेगा, 14 में 1 ही निकलेगा, ठीक है, 8 प्लस समथिंग होगा वैल्यू आप, तो वो अब ऐसे आएगा ना, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 9 10 और 6 आएगा ना, 8 प्लस 6 हो गया ना 14, 6 आपका आएगा यहां पे और 1 आपका कैरी जाएगा, है ना, ये ऐसे हो जाएगा, जो कैरी वाला वन होगा वो इधर आएगा, ठीक है, ये 6 आपको लेना है, ये 6 और ये 1, ठीक है, ये बन गया आपके पास क्या ऑक्टल। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है ऑक्टल में, 16, है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 16, अब मैं सीधे लिखूंगा 16, अब मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होता है 21 आएगा डेसिमल में, 25 आएगा ऑक्टल में, 4 मल्टीप्लाई बाई 7 28, लेकिन वो डेसिमल है, ये 34 आएगा किसमें ऑक्टल में, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया 35, लेकिन ये यहाँ भी क्या आएगा 43, क्या आएगा 43, 6 मल्टीप्लाई बाई 7 आएगा 52, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 आएगा 61। अब आपने बराबर बनाया 0 से लेके 7 तक, इससे आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये 7 है ना, यहाँ पे अल्टीमेट क्या है, यहाँ पे लास्ट में 7 या 7 तक ही जाएगा, 8 नहीं, 8 तक नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे है ना 7 तक जो तो यहाँ से तुझना सा डिविजन में क्या देखा है हमने, जितना ये होगा ना डिविडेंड जितना होगा ना उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। आप कभी कर सकते हो ऐसे, अगर आपको होगा 10 डिवाइडेड बाई 5, आप कभी ऐसे कर सकते हो, मतलब 5 का टेबल पढ़ना है ना, 5 1 जा 5 2 जा 10, ठीक है, 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा बस 5 6 जा आएगा कभी, सपोज आपको सपोज इसको करना है डिवाइड से, हाँ तो उसे ये किसने बोला, ठीक बोला मैंने, टू वन जार टू टू जार टू फाइव टू थ्री जार टू फोर जार टू फाइव जार टू सिक्स टू सेवन, इसका तो रिमाइंडर जरूरी है, इसका रिमाइंडर जरूरी है, टू टेन छोड़ो ये इसका रिमाइंडर जीरो निकलता है, ये हमने टेबल ले लिया, हम देखेंगे, हम पहले देखेंगे, हम अभी इसको और भी बढ़ा सकते हैं, हमें इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, हम बढ़ा सकते हैं 61 का इसमें कसम एक्सीडेंट जिसकी 61 इससे एक्सीडेंट नहीं होते, हम अगर लिखेंगे ना 7 6 42 वही होगा ना, नहीं ये तो 42 किसमें आएगा, 7 4 सर, 7 4 सर 34, 42 मत आएगा, वो उसमें है डेसिमल में, यहाँ पे निकलेगा 12 को माइनस करो 4 तो क्या आएगा, 8 आएगा ना, ये हेक्साडेसिमल, ये ऑक्टल है, इसकी बेस क्या है 8, इसकी भी बेस 8 है, तो ये जब इसको देगा ना बोरो, तो 10 होगा, ये जब इसको बोरो देगा, ये 2 है, 8 प्लस 2 10 माइनस 4 हो गया 6, ठीक है, ये हो गया 3, यहाँ पे 3 माइनस 3 तो 0,
अब देखो चीजें आपके पास रिपीट हो जाएगी यहाँ पे, देखो ये 6 है ना, यहाँ पे क्या हो गया 2 को लेकर नीचे 62 के नजदीक कौन है, नहीं 7 है, मतलब 7 है ना, ये 62 है, ये 61 है नजदीक, उस 62 कैसे नजदीक है 61, तो यहाँ पे करूंगा मैं 7, 47 ठीक है, 61 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। फिलहाल आप ये रिमाइंडर क्या लोगे आप यहाँ पे 1 और ये आपके फिलहाल तो फिलहाल आपके पास रिमाइंडर आया 1 और ये 47। अब और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें रिपीट हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाए रिपीट हो सकता है क्या पॉइंट के बाद, इसमें भी हो सकता है आपको चेक कर पाए, आपको करना है यहाँ पे काम पॉइंट ऊपर लेना है, यहाँ पे क्या लाओगे 0, तो यहाँ पे नजदीक कौन है 7, 1 1 1 तो लिखोगे 1007, तो यहाँ पे आएगा 1-0 8-7 12 हो जाएगा, यहाँ पे 8-7 आएगा 1 हो गया ना रिपीट, फिर से आएगा नीचे 0, फिर से होगा 1 से, फिर से आएगा 7, फिर से आएगा 1, फिर से आएगा रिपीट 0, फिर से होगा 1 से, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया ना। मैं दूसरी एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसमें रिपीट हो जाएगा, और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसमें रिपीट हो जाएगा, अगर आपको 51 है ऑक्टल है, इसको डिवाइड करना है किससे, 7 से, तो यहाँ पे क्या होगा 12 हो जाएगा 8 प्लस 1 9 माइनस 3 क्या हो गया 6 आएगा 6 ठीक है 6 आएगा ना, आपको समझ आ रहा है पूरा 6 आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रह गया 4-4 हो गया 0, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0, 60 के नजदीक कौन है 6, 7-6 is a 52, 6 is a 52, फिर से आ जाएगा 4-1, ये क्या बनेगा 7 आएगा, ये बनेगा 8-2=6, फिर से आएगा नीचे 0, हो गया ना रिपीट 60 और 60 हो गया ना रिपीट, फिर से आएगा 6-52, फिर से ये रिपीट हो जाएगा ऐसे, तो आपको लेना है 5.66 अप्रोक्सीमेटली, 5.6 आई बात समझ।